लखीसराय चानन से रंजीत प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। जानकीडीह उप मुखिया सकलदेव बिंद ने किया गरीबों में सूखा राशन वितरण। चानन प्रखंड के जानकीडीह पंचायत मुखिया कामिनी देवी के सुपुत्र उप मुखिया सकलदेव बिंद की देखरेख में हर एक गांव में चावल, दाल, आलू, आटा, साबुन अपने हाथों से वितरण किया। साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए कई उपाय भी बताए। इस हेतु सहयोगी हरबंशपुर निवासी दिनेश यादव, राम बदन बिंद, उपेंद्र ठाकुर, कामेश्वर यादव, श्याम देव बिंद, महेश बिंद, राजा कुमार तथा जानकीडीह के कई गणमान्य लोग सामूहिक रूप से दूरी बनाकर राशन का वितरण किया। उप मुखिया सकलदेव बिंद ने कहा कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक हम गरीबों को खाने का सामग्री संग मास्क घर घर जाकर मुहैया कराते रहेंगे। यही मेरा कर्तव्य और मेरी निष्ठा है। चानन से रंजीत प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? सकलदेव बिंद। अभी तक आपने पंचायत में कितना सामग्री राशि बांटा? लगभग 1400-1500 आदमी को बांट दिए। जितना गरीब आदमी है कोई भूखे नहीं, सो इसलिए सब जगह जितना हर संभव हो सका चावल, आटा, आलू, नमक, प्याज, मसाला और पानी का भी व्यवस्था कर रहे हैं। घर घर प्रचार प्रसार भी किए कोरोना से बचने का भी कर रहे हैं कि कोई समूह बना कर नहीं बैठे, घर में बैठे। बहुत भयानक बीमारी है, बीमारी का अभी तक सही तरीका से इलाज नहीं हो रहा, इसलिए समूह बना कर नहीं बैठे। यह कार्यक्रम चलता ही रहेगा? हाँ, जब तक लॉकडाउन है तब तक चलता रहेगा। कोई गरीब आदमी भूखे नहीं सोए।